दर्शन दक्षिण पर आज तीन राज्यों के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना के जगतियाल की रैली में बोले प्रधानमंत्री, 4 जून को होगा 400 पार। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि लड़ाई शक्ति के उपासक और शक्ति के विनाशक के बीच है। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, हमारी लड़ाई व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कर्नाटक के शिमोगा में दोपहर 3:15 बजे रैली करेंगे प्रधानमंत्री। कोयम्बटूर में शाम 6:45 बजे 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवार तय किए, जल्द की जाएगी नामों की घोषणा। कल्याण, पालघर और जालना सीट पर मामला अभी फंसा है। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को उतारा, निरहुआ बोले फिर हारेंगे धर्मेंद्र यादव। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हौसबोले का बयान, कहा अल्पसंख्यकों की व्याख्या पर पुनर्विचार हो, मुस्लिमों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए। बिहार जेडीयू नेता खालिद अनवर का बड़ा दावा, कहा बिहार में सीएए नहीं होगा लागू, बोले बिहार में सीएए लागू नहीं करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी विधायकों का एक गुट हुआ नाराज, बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर की बैठक, कहा सरकार के गठन में विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में होगी बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर बीजेपी में शामिल हुए, रतलाम के 64 से ज्यादा कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल टी सुंदर राजन ने दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। नाराजगी की खबरों का बीजेपी विधायक राजू सिंह ने किया खंडन, कहा मेरे आवास पर होली मिलन समारोह था, बैठक नहीं हुई। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, दोनों पक्षों को जारी किया गया नोटिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता लगते ही एक्शन में आया प्रशासन, 40 लाख की अवैध शराब की बरामद, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। आर्म्स लाइसेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दी जमानत, आर्म्स लाइसेंस में गड़बड़ी के आरोप में अक्टूबर 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर लगाई फटकार, कहा 21 मार्च तक अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत हर जानकारी दे एसबीआई, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर हर जानकारी डाले। स्टेट बैंक ने कहा कि हम हर जानकारी देने को तैयार, हमारी गलत छवि बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब एक बार कह दिया सारी जानकारी चाहिए तो आप हर बार आदेश का इंतजार क्यों करते हैं। चुनावी बॉन्ड पर चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे की जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड की, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। वेबसाइट पर अपलोड डेटा के मुताबिक बीजेडी को 900 करोड़ से ज्यादा, टीएमसी को करीब 1400 करोड़ चुनावी चंदा मिला। चुनावी फंड पर कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा चुनावी बॉन्ड से चुनावी चंदा देश का सबसे बड़ा घोटाला, घोटाले से हिला पूरा देश। चुनावी चंदे पर कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावी बॉन्ड के जरिए धन उगाही की। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई। इसमें ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल, आपने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी, कहा कोर्ट से जमानत तो बार बार समन क्यों भेज रही। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है बीजेपी, चुनाव से दूर रहने के लिए फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला, हरीश खुराना ने कहा कानून का सम्मान नहीं करते केजरीवाल, सच्चाई छिपाने के लिए भाग रहे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत हुई रद्द, स्थायी जमानत के लिए लगाई थी अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया। दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल पर हिंदू संगठन का प्रदर्शन, वाइवा के दौरान 2 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार करने का। बरसाना में रविवार को मनाई गई लड्डू मार होली, भीड़ के चलते आधा दर्जन लोग हुए घायल। मथुरा के बरसाना में आज खेली जा रही है लठमार होली, सुरक्षा इंतजाम कड़े, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। हैदराबाद में अंडरवेयर गिरोह का आतंक, स्कूल के काउंटर से 2 चोरों ने उड़ाए 7,85,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात।
पंजाब के होशियारपुर में हुए हमले में पुलिस कांस्टेबल की मौत। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हुआ हमला, आरोपियों की तलाश जारी। सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, एनडीपीएस प्रावधानों के तहत आरोप भी जोड़े गए। नोएडा पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर, एल्विश ने माना कि पार्टी में सांपों का जहर मंगवाता था, गिरफ्तार आरोपियों से मिलने की बात भी कबूल। कोलकाता के गार्डन रीच में इमारत ढही, दो की मौत, कई घायल, पहले से चोटिल ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंची। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा, दिल्ली जा रही साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, चार बोगियां पटरी से उतरी, कोई हताहत। गुजरात के पंचमहल में एक गांव में दो गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, 21 लोग हुए घायल।